तो टूटा हुआ हेलमेट पहना के चला। आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में? हमारे गांव वाले का तो जी सारे यही ख्याल है कि अर्बनाइजेशन के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है, ना तो फैसिलिटी दी जा रही है और गांव का जो पुराना माहौल था वो भी छीन लिया गया, वो भी नहीं रहा, ना तो गांव के पास कोई मैदान रहा, ना झोड़ रहे, वाटर बॉडी भी ख़त्म हो चुकी है। अब ये भी सामने झोड़ी था, ये वो तो भर भर कर किसी तरह के वो अपने आप ही पार्क में डेवलप हो गया, फिर डीडीए ने आके इस पर कब्जा कर लिया। अच्छा, अब इसमें डीडीए का बोर्ड लगा है। अब बताओ, वो वाटर बॉडी ऐसी बना दी उधर, उधर वाटर ही नहीं है, गड्ढा ही है, वो सर वो भी गांव का ही, कहने को गांव का ही है, वो भी ये भी गांव का, इसमें कब्जा कर लिया। पोल्यूशन इतना भयंकर मिलता है, ग्रीनरी जो हमारी ग्रीन बेल्ट थी वो खत्म कर दी गई, सफाई नहीं कुछ नहीं, बोर्ड ला दिया काम का, काम की राय लेनी चाहिए बच्चों से, जवानों से, कहाँ जाएंगे। अब मैडम कोई भी डीडी का पार्क देख लो और ये पार्क देख लो, बहुत फर्क है, इसमें कोई आता ही नहीं, इस पार्क की देखभाल कोई नहीं आता, और जो अंदर डी डी एम पार्क बने हैं उनकी देखभाल सब करते हैं, कि गांव में हो गया और डी डी जमीन थी नहीं, वो तो गांव की थी, तो उन्होंने वैसे ही आके अपना पेट पार लगा के हमारी ज़मीन होगी, हमारा पार्क पर सुविधा एक भी नहीं है इसके अंदर। गांव के अंदर पार्क है नहीं, जो कुछ है यही है। डी डी ने कोई पार्क नहीं दिया, बल्कि जमीन हमसे उल्टी ली है, जो डी डी द्वारा ना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने और ना डी डी ने कोई जमीन नहीं दी हमें किसी पार्क के लिए, जबकि साथ में बाबूला गांव है, इसी चारों तरफ पार्क ही पार्क है, इसी चीज के लिए और हमारे गांव को बिल्कुल छोड़ दिया। अब परचल जाओ वहीं पार्क बने हुए हैं, हमारे गांव में एक भी पार्क नहीं, और जो है ये अपने आप बना है या टूर्नामेंट, ये जो था अपना वाटर बॉडी थी, इसका बुरा हाल है, इसके लिए कोई सुविधा, कोई अधिकारी नहीं आता यहाँ, कोई सुविधा नहीं इसके अंदर, सिर्फ फॉर्मेलिटी कागजों में, वही कागजों में सारे काम होते हैं। अगर कोई फंक्शन करना हो, कार्यक्रम करना हो, तो डी डी के पास जाओ, उनसे परमिशन मांगो, परमिशन दो जी, तो वो उसके लिए तो वो एग्री हो जाते हैं पैसा लेने के लिए, सुविधा के नाम पे कुछ नहीं देते हो, देखते भी नहीं आके क्या हो रहा है, कैसा पार्क है, चारों से टूटा हुआ है, ना लाइट है, ना कुछ है, ना बच्चों ग्राउंड खेलने के लिए, ना झूले हैं, कोई सुविधा नहीं इसके, डी डी ने कुछ नहीं दिया आज तक गाँव को। मोस्टली गाँव में आप देखिए, और आज मैं खुद अपने गाँव का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि हमारी जो सीवर लाइन है, आप जब पीछे आप देखे भी होगी तो ओवरफ्लो हो रहे हैं, ओवरलोडेड हैं, वो इसी वजह से जो उसकी कैपेसिटी थी वो 3-4 हज़ार लोगों की थी, मैक्सिमम 5 हज़ार लोगों की थी, आज वहाँ पे 10 से 15 हज़ार हम कर रहे हैं। पानी की लाइन हमने दूसरी डलवा दी थी, एमएलए से क्या दिक्कत पानी की अंदर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो ओवरऑल अब प्राइवेटाइज हो गया है तो आ रही है, ठीक है, जितना यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पानी का और सीवर का इशू है, और उसी से फिर वो सफाई हो जाती है। आप कंधावला से आए हो, आप कंधावला से आए हो, ये मोड़ आके ये मेरे गांव में सड़क आती है, यहाँ आपने गांव में एंट्री की है, इससे आप लेफ्ट को आगे हैं, ठीक है, सपोज आप यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आगे तो ये लाल डोरा खत्म है ना, ये लाल डोरे का ब्लॉक है, ये इसका जैसे एक ही नंबर होता है 79 आबादी, ठीक है जी, बाकी ये जमीन हमारी सारी एग्रीकल्चर है, ये आबादी है। अब मैं ये जो कह रहा था अभी तक, ये कब का बना हुआ है, जब उर्दू में काम होते थे, ये हाथ से बनाए हुए हैं, मशीनों से नहीं है, ये हैंडमेड है, उस टाइम भी हमारी बाउंड्री यही थी रहने की, आज भी हम इसी पे बैठे हैं, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि इसको चारों साइड में एक्सटेंड कर दें थोड़ा, हाँ तो हमारी इसके बदले में जैसे मेरी यहाँ जमीन है, उसमें से मेरे को यहाँ एडजस्ट करेंगे तो जिसकी जमीन यहाँ खत्म होगी उसको यहाँ दे दो चेंज, मेरे 2 एकड़ लेके मुझे 1 एकड़ यहाँ दे दो, एक से कम दे दो, ठीक है, हम भी लाल डोरा कन्फर्म में आ जाएंगे, हम वहां कोई मकान बिल्डअप करना चाहेंगे, किसी का आके हथौड़ा नहीं चलेगा उसके ऊपर। पक्ष जो है सब जाने थे, उनको ये क्या समझौता है, तब तो बात भी बन जाए।
अब बिल्डर को अगर सब पता है हमें कुछ नहीं तो वो तो अपनी सड़कों पर करेगा, हमसे अगर वो करेगा भी तो डीडीए तो इसमें कुछ करेंगे कि हम तो कुछ नहीं करेंगे और जमीन फ्री के लेंगे, क्योंकि कुछ जमीन तो ऐसी भी है जो ग्राम सभा की है, जो खेत सिंचाई के लिए खाड़ है, रास्ते है, रास्ते वो किसी के नाम तो है नहीं, वो तो ग्राम सभा के नाम है, वो जमीन कौन लेगा? वो तो डीडीए के जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली। इस बारे में पूछा हूँ तो डीडीए से, आप ग्राम सभा की जमीन ले रहे हो, वो किसको उसका उसको भेजा था ना मेरे पास, नांगल ठाकरण का भी नाम है यहाँ, पटवारी तहसीलदार डी डी सफेदी डाल कर गए हैं मेरे गांव की साइड में। तो एक ही खसरा 531 के नाम से जो है उसमें जो आबादी दे हैं लोग, जितने भी घर बने हुए हैं उसी का जो सर्कल लगा दिया उसी को लगा, उसके बाद जो एक्सपेंशन हुआ जो गांव में बता रहे हैं उसमें ये एक पीछे दो और तीन तीन गलियाँ कटी हुई, उनमें मुश्किल से जो है तीनों गलियों में 50-50 प्लॉट होंगे, 150 प्लॉट टोटल होंगे, 150 प्लॉट जो है जिसको एक्सटेंशन आबादी कहते हैं वो 52 में हुई थी, 52 में उनके बाद की पीढ़ियाँ, तीन तीन पीढ़ियाँ ये बैठी हैं उनके बाद की तीन पीढ़ियाँ। हमें अपनी कोई लड़ाई लड़नी हो, संघर्ष करना हो, सपोज हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी नेताओं के पास जाना पड़ता है तो हमें पहले उन्हें कोर्ट की धमकी देनी पड़ती है, अदरवाइज हमारी तरफ देखते नहीं। जिस पार्क में आप बैठे हैं ये दिल्ली टूरिज्म ने लेके इसको थर्ड पार्टी दे दिया था, कब्जा किया हुआ था, इलीगल चला रहा था, हमने फाइट करी, हम लड़े, ये खाली कराए, ठीक है। और जितने भी कम्युनिटी सेंटर हैं जो बनाए गए हैं, ये जब बनाए गए थे गांव को देख के बनाए गए थे, गांव को हितों को लेके देखे गया था, लेकिन वहाँ भी पॉलिटिक्स हुई, ठीक है। अगर ये बरातघर गाँव को दिए जाते तो ये दिए जाते तो दिल्ली सरकार की तरफ से दिए जाते, इनको चौपाड़ कह चौपाड़ के नाम से दिए जाते, लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा इन गांव को हम अपने ऊपर बोझ नहीं रखेंगे, मैं क्यों इन चौपाड़ को मेंटेन करूं, मैं क्यों इनको रखूं, गांव वाले जब भी मेरी वोट बैंक के में कहीं नहीं है, मैं इनके लिए कुछ करूँ या ना करूँ। इन्होंने उठा के उसको MCD को दे दिया और MCD ने उसको कम्युनिटी सेंटर नाम रख के उस पर चार्ज लगा दिया 35,000। 35,000 अगर आज हमें कोई करना हो तो पहले हमें वो 35,000 पे करने पड़ते हैं, जो हमारी ज़मीनें थी, हमारे लिए बना गया था, गांव की वेलफेयर के लिए बना था, जो कि उसका कहीं कोई वजह नहीं, जिसकी फाइट हमारी आज भी चल रही है। तो बिजली और पानी के कनेक्शन के लिए इनको लाल डोरा सर्टिफिकेट क्यों दें? उस चीज़ के लिए तो इन्होंने क्या करा, अप्रूवल दे दी कि MLA या निगम पार्षद ही अगर आपके लेटर हेड पे लिख के दे देगा तो वो मिल जाएगा, तो वो लाल डोरा सर्टिफिकेट भी लोगों ने अप्लाई करना बंद कर दिया। अब अप्लाई करना बंद कर दिया और उधर दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको बंद ही कर दिया, देना ही बंद कर दिया, कहते हैं कि आप लाल डोरा सर्टिफिकेट में आते ही नहीं, आपका गांव अब लाल डोरे में है ही नहीं। बेसिकली जो स्टाफ बैठा है या जो SGM बैठा है वो सिर्फ पल्ला झाड़ना जानता है, उसको लगता है सामने वाला बेवकूफ है, ठीक है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम लाल डोरे में नहीं है भाई? हमने उनसे मांगा क्या लिखित में दे सकते हो ये? अगर लाल डोरा सर्टिफिकेट आज हमारा बन जाता है, सपोज पूरा गांव एक लाल डोरा सर्टिफिकेट बनवा लेता है, एक यूनिटी बन जाती है, तो हम दिल्ली गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल सकते हैं जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं। ठीक है, एक जनरेशन ने अपनी जीवन को जी लिया, चलो जो भी ब्याज आया या जो भी पैसा आया, जो ज़मीनें गई वो सर्वाइव कर गए, मैं उसमें कोई दोरा पा नहीं। लेकिन अब नेक्स्ट जनरेशन, आज मैं हूँ या आने वाले मेरे बच्चे हैं, और अभी तो बच्चों की तो बात ही नहीं, मेरी अपनी बात करूँ मैं अपनी, तो आज मैंने तो मुआवजा नहीं लिया, मैं तो ज़मींदार नहीं हूँ, ज़मींदार मेरे बाप थे, मेरे बाप के बाप थे, मैं तो वही हूँ आज भी। मैंने सर्वाइव करा, सरकारी स्कूल में पढ़े जैसे तैसे, आज हमने नौकरी करी छोटी मोटी, लेकिन मेरे को भी तो वही राइट्स होने चाहिए जो बाकी लोगों के हैं, आगे बढ़ने का तो अधिकार मेरा भी, ठीक है। आप सी ब्लॉक में कोठी है जिसका मकान है बाहर, उसको लोन भी मिल जाता है, उसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं लैब, वो भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। हमें कोई प्रधानमंत्री कौशल विकास और योजना के तहत जो ये स्टार्टअप लोन दे रहे हैं, जिसको प्रधानमंत्री बहुत बड़े बड़े उस पर खर्चा करके कहा कि स्टार्टअप लोन लीजिए, मैंने जब अप्लाई करा तो मुझे मात्र 1,00,000, मैंने ट्रायल करने के लिए 1,00,000 लोग अप्लाई किया कि 1,00,000 रुपये का लोन लेता हूँ,
तो मुझे ये कह के रिफ्यूज़ कर दिया गया कि सर आपका जो लैंड है लाल डोरे में गांव में आपको लोन नहीं मिल सकता। जब मैं 1,00,000 का प्रधानमंत्री स्टार्टअप लोन भी नहीं ले सकता तो मेरे तो आपने हाथ पर, मैं तो तरक्की कर ही नहीं सकता, मुझे तो ऐसे लगता है मैं बांग्लादेश हूँ। और वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ती है कि हम रेगुलराइज करें कॉलोनियों को। अरे उन कॉलोनियों को जिनके ऊपर बसी है उन गाँव के, उनकी तरफ आप देखें और आप रेगुलराइज कर रहे हो। हम लाल डोरे की जमीन पर तकरीबन नहीं मिलता, रजिस्ट्री वाली जमीन पर मिलता है। आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों होता है लाल डोरे पर नहीं मिलता? क्योंकि जमीन तो आप ही की, जिस जमीन की रजिस्ट्री बैंक उसी को देता है जब रजिस्ट्री होती है कि इसका पक्का। ये लाल डोरे के अंदर है मकान, मेरे अंदर ताकत है, मैं जिलेदार को पीट के बाहर डाल दू, इसका सामान गया और मैं आ गया, मेरा हो गया। आबादी अब यहाँ किसका मकान कहाँ पर है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, सड़क है किसका, कितना प्लॉट है, कोई रिकॉर्ड नहीं होता। क्या आपको लगता है भारत में अब ऐसी चीजें हो रही होंगी जहाँ पे ऐसी परेशानियों को सरकार ने बदला होगा? इनका रिकॉर्ड बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। अगर आप सरकार बनाना चाहते हैं, आपको लगता आपका फायदा है इसमें? फायदा तो है। अगर ये रिकॉर्ड बन जाए बिल्कुल तो फायदा तो है। फिर जैसे मैं कह रहा था कि उसका सामान बाहर निकाल के फेंक दे, वो नहीं फेंक सकते। बट देयर हैज टू बी द कंसेप्ट ऑफ एम्पैथी इन द सर्विसेज। इफ यू आर ऑनेस्ट with the concept of empathy, definitely index will go high. We visited Singapore. What I found in the Singapore, there is a concept of empathy in everything. Whenever a person comes to them, they put themselves at his place or her place. What he will think if I will do wrong or right. The same thing if we incorporate in our daily life, then index will go high. थोड़ा सा मैं हिंदी बोल लेता हूं। DDA में पूरी दिल्ली में करीब 358 villages है, जिसमें से डीडीए ने 240 विलेजेस एक्वायर किए, 23 ऐसे नजूर विलेजेस हैं जो ब्रिटिश टाइम से डीडीए के पास आए, 93 और 95 ऐसे विलेजेस हैं जिसमें लैंड पूलिंग पॉलिसी डीडीए इंप्लीमेंट करने जा रहा है।